भाई बहन के स्नेह प्यार और एकता का प्रतीक माने जाने वाले वीरपोस पर बहनों ने तिलक लगाकर कलाई पर राखी बांधी, गले मिलकर दी बधाई और लिया आशीर्वाद। निमाड़ मालवा अंचल में वीरपोस का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अल सुबह से भाइयों ने अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर्व पर आमंत्रित करने के लिए प्रस्थान किया। हम आपको बता दें कि वीरपोस का पर्व रक्षाबंधन की पूर्णिमा के पहले रविवार को मनाया जाता है, जिसमें भाई अपनी बहन के घर खाने का सामान, फल फ्रूट सहित सुहाग का सामान लेकर जाता है और अपनी बहन को भेंट देता है। वहीं बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत करके भाई की आरती उतारती है। इसी परंपरा के निर्वहन में सेगांव में भी वीरपोस का त्यौहार मनाया गया, जिसमें बहनों ने भाई की आरती उतारी तो भाइयों ने रक्षाबंधन के लिए बहनों को आमंत्रित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में बहन हेमलता और निर्मला गुप्ता ने बताया कि वीरपोस भाई बहन के पवित्र रिश्ते की डोर को मजबूत करता है। वहीं भाई देवेंद्र मंडलोई का कहना था कि परंपरा निर्माण में अपनी बहन को रक्षाबंधन का निमंत्रण देने आए थे। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए और उनकी सलामती के लिए व्रत रखती हैं और अपने भाई का इंतजार करती है ताकि वो भैया आए और अपनी बहन को रिपस देकर राखी का निमंत्रण दे। आज वीरपस है, आज के दिन रक्षाबंधन के लिए भाई अपने बहनों को निमंत्रित करने के लिए कुछ लेकर जाता है, जैसे गेहूं वगैरह। हर जगह की हालांकि अपनी अपनी परंपराएं होती है, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि गेहूं, नारियल का गोला, कंकु, चावल, एक ब्लाउज पीस, इस प्रकार की सामग्री लेकर बहन को निमंत्रित किया जाता है कि ये बहन रक्षाबंधन के दिन हमारे यहाँ पे आप आकर हमें राखी बांध। सेगांव से संतोष गोयल की रिपोर्ट।